जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। देख तो, सोचा ही नहीं था कि ये भी आएगा। मुझे तो लगा शर्म से मुंह छुपा के घर में ही बैठा रहेगा। तो सही कह रही थी गुनिया, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इनके लोग तो टीवी की न्यूज को ही सच मानेंगे। हमको मेरा यहाँ आना खटक रहा है। मेरे पिंड के लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते। रणवीर, अगर तू वापस चलना चाहता है तो चल, चलते। कोई कहीं नहीं जाएगा। कल मैनू बहादुर बनने का सबक दे रहे थे ना, और आज आप ही अपने लोगों से नजरें चुरा रहे हैं। नहीं वीना, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी से नजरें नहीं छुपा रहा हूँ। बस मेरे पिंड के लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे तो मेरा यार है जी। यकीन मानिए, सब आपसे प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको। हाँ, टीवी पर खबर देखने के बाद थोड़े से बौखला गए, लेकिन दीजिए यकीन मानिए, अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि कुछ नहीं हुआ तो फिर वो भी भूल जाएंगे। वीरा बिल्कुल ठीक कह रही है रणवीर। ए पिंड तेरा अपना पिंड है, ए पिंड वाले तेरे घर वाले हैं, और घर वालों से कोई मुंह नहीं छुपाता। क्या हुआ? अगर कोई कोई हमसे बात करने नहीं आ रहा तो कोई गल नहीं, हम लोगों से मिलने जाएंगे, जरूर मिलेंगे। और ये जो आपस में हिचकिचाहट है ना, वो ऐसे गुल हो जानी है, आप देख लेना। चलो आजा। अरे वाह बलदेव जी, आपकी पत्नी तो बैसाखी के मेले पे भी देखो चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। ना ना जी, वो तो वैसे ही पिंड वालों के साथ बस। अरे वैसे क्या बलदेव जी, देखो सभी से जा जा के मिल रही है। ऐ मैं आजी, ये बैसाखी का मेला है, यहाँ पे सभी अपनों के साथ मौज मनाते हैं, दूसरों के पास जा जा के गल्ला नहीं करते। बलदेव जी, ओबराय साहब से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा कि आप पैसों को लेके फिक्र ना करें, आप अपने पिंड वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते थे ना, बांट दीजिए वो मुस्कुराहट, जैसा मैंने कहा था वैसा कर दीजिए। ठीक है, शायद वही करना ठीक रहेगा। मेरे पिंड वालों, मेरे भाइयों बहनों, चाचाओं चाचियों, मासा और मासियों, और सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। जी जोश में आके मैंने यहाँ पर सारे वो स्टॉल लगा दिए जो थोड़ी महंगी चीजें बेचते हैं, और मेरे पिंड वाले खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, और बेकार में बिना बात के उनका त्योहार खराब हो रहा है। और जी मेरे पिंड वाले त्योहार के दिन ऐसे उदास बैठे रहे, ये मैनू मंजूर नहीं है। तो जी मेरे तरफ से बैसाखी का तोहफा समझ के मैं सब पिंड वालों से दरखास्त करता हूं कि अपनी पसंद की एक एक चीज अपने पसंदीदा दुकान से आप लोग खरीद लो, और पैसे की कोई फिक्र नहीं करनी है आपको। हैं? ऐ सब मेरे तरफ से बैसाखी का तोहफा समझना। We'll be right back.
वीरा, उत्तर ये जो सब खर्चा हो रहा है इसका इंतजाम बलदेव ने किया कहाँ से? नहीं बाबा जी, मैंने नहीं पता। अच्छा, वो तो मुझे ही पूछना पड़ेगा इससे। कमाल है, ऐसा करके तो ना बलदेव ने सारे पिंड की वोट अपनी तरफ कर ली है। अब तो वीरा नु कोई पूछेगा भी नहीं। अजी अब मेरे पिंड वालों, आप लोग सब दिल खोल के बैसाखी का त्योहार मनाओ। अरे आ भाई, और डोडो लेके आ ना जाना। अरे सबके चेहरे पर रौनक, त्योहार वाले दिन चप्पा वाला माहौल हुआ पड़ा था एकदम। बलदेव ये तो बहुत ही चंगी गल है कि तेनु पिंड वालों का इतना ख्याल है, लेकिन तेनु नहीं लगता कि ऐसे तो मुफ्त की चीजें बांट कर उनकी आदत खराब कर रहा है, उनके अंदर लालच पैदा कर रहा है? बलदेव, हम जितना लोगों से दूर भागेंगे वो उतना ही हमें गुनहगार समझेंगे। बलदेव भूल गया है क्या वीरा ने इसके साथ क्या किया? तो पिंड वाले भूल गए, किरण भी चोर है, हद हो गई। अब तो त्योहार की मस्ती में सब लोग इतने मस्त हैं, ये बात ठीक नहीं है कुछ करने का। आप सही कह रहे थे जी, ऐसा आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, परिवार की तरह है हमारे, और इन्हें कभी गलत नहीं समझते। बलदेव सिंह तो एकदम राजा की तरह ख्याल रख रहा है भाई हमारे, सच में मजा आ गया। सच जी, मजा तो सबको बहुत आया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि बलदेव से वोटों के लिए ऐसे इतने सारे पैसे खर्च कर देगा, वो भी मेले पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।